और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में आपको पिक्सआर्ट और लाइटरूम ये दोनों ऐप को यूज़ करके कुछ इस तरह का सी भी फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो क्या आप भी मेरी तरह ऐसा सी भी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे टच करना है, फिर यहाँ पे एडिट है फोटो पे, यहाँ से आपको जिस फोटो को भी एडिट करना है उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये मैंने फोटो को ऐड कर दिया। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट वाले आइकन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा साइड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आर्टिस्टिक का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर फेटल वन को टच करना है। फिर से उसको एक बार टच कर दो, और यहाँ पे आपको थोड़ा साइड स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर इसको रख देना है। फिर यहाँ पे 50 रहेगा तो यहाँ पे आप 30 तक रख सकते हो, ये मैंने रख दिया। इसके बाद आपको इरेज वाले आइकन पे जाना है, और यहाँ पे आपको इरेज को टच करना है, और यहाँ से हार्डनेस को आपको 90 तक रख दो। इसके बाद साइज अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आपको फेस पर से और बॉडी पर से हटा देना है, कपड़ा और बैकग्राउंड पे रखना है, बाकी सब जगह से हटा देना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से पूरी बॉडी से ये सब को हटा दिया है। इसके बाद इसको राइट वाला टच कर देना है। इसके बाद आपको फिर से राइट वाले को टच कर देना है। फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐड फोटो पे। यहाँ पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड पे टच करना है, और यहाँ से आपको एक ग्रीन वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसको कुछ ऐसा जूम कर देना है। इतना जूम करने के बाद आपको साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ब्लेंड वाला आइकन दिखेगा, इसको आपको टच करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको ऊपर की ओर इरेज वाला आइकन पर टच करना है, और यहाँ पे आपको इन्वर्ट कर देना है। इसके बाद आपको रिस्टोर पे जाना है, और यहाँ से हार्डनेस को 90 तक रख दो। फिर साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे गॉगल्स और शर्ट और जूते पे अप्लाई कर देना है इसको। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे परफेक्टली इसको ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको राइट वाले को टच कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको फिर से राइट वाले को टच कर देना है। तो यहाँ पे आपको फिर से ऐड फोटोज पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे गूगल्स पे अच्छे से फोटो दिख नहीं रहा है, वो कलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर से उसका कलर ऐड कर देना है। तो आपको फिर से वही ग्रीन को ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद गूगल्स पे यहाँ पे रख देना है। फिर आपको इसको इरेज वाले आइकन पे जाना है, और इसको इन्वर्ट कर दो। फिर से आपको इसको गूगल्स पे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गूगल्स पे भी इसको ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको फिर से राइट वाले को टच कर देना है, और यहाँ से आपको इसके ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है। आप चाहो तो जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो, मैं यहाँ पे 70 तक रख दे रहा हूँ। इसके बाद इसको राइट टच कर दे रहा हूँ। ये हो जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे स्टिकर वाले आइकन पे, और यहाँ से आपको चर्च वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लाइट। फिर इसको मैं चर्च कर दे रहा हूँ। फिर आपको दूसरे वाले लाइट को ऐड कर लेना है। इसको यहाँ पे कुछ रखना है, और यहाँ पे आपको ब्लेंड पे आने के बाद इसको स्क्रीन कर दो, और इसको थोड़ा बड़ा कर दो, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड कर दो जिससे फोटो थोड़ा दिखने में एकदम सही लगे। इसके बाद इसको फिर से टच करो, और बॉक्स वाले पे जाओ, और यहाँ से डुप्लीकेट इसका बना लो। इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दो, और यहाँ पे नीचे पे ऐड कर दो। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया दिख रहा है। इसके बाद आपको फिर से ऐड व फोटोज पे जाना है,
और यहाँ से आपको एक PNG को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद अभी इसका बैकग्राउंड हटाना है, तो आपको जाना पड़ेगा फिर से ब्लेंड वाले आइकन पे, यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर देना है और इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद आपको राइट वाले को टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का हमारा फोटो एडिट हो चुका है। इसके बाद इसको फिर आपको ये सेव वाले आइकन पे टच करना है और यहाँ से आपको इसको शेयर करना है। तो यहाँ पे मोर वाले आइकन पे आना है और यहाँ से आपको लाइट रूम को सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसको लाइट रूम में शेयर कर देना है। तो मेरा हो चुका है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली नोटिफिकेशन से वहाँ पर चला जाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने लाइट रूम को ओपन कर लिया। तो आप चाहो तो वो भी आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो उसको डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको ऑल फोटोज पे जाना है। अब देख सकते हो हमारा यहाँ पे फोटो आ चुका है, तो इसको आपको बैक लेना है। फिर आपको एड फोटोज पे जाना है और यहाँ से आपको एक फोटो को डाउनलोड करना पड़ेगा जो है प्रेस एड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं उस प्रेसेट को ऐड कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो मेरा प्रेसेट यहां पे आ चुका है। इसके बाद आपको उस प्रेसेट को ऐड करना है, उसको टच करना है। फिर आपको यहां पे ट्रिपल डॉट्स पे जाना है कोने में और यहां से आपको इसको कॉपी सेटिंग कर लेना है और यहां पे आपको इसको राइट वाला टच कर दो। इसके बाद आपको बैक आओ और यहाँ पे आपको जिस फोटो को एडिट किया था, जिसको शेयर किया था लाइटरूम के अंदर, इस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट पे आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा फोटो एडिट हो चुका है। अभी दोस्तों इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर वाले आइकन पे टच करना है और यहाँ से आपको इसको सेव टू डिवाइस कर देना है। तो आपका फोटो सेव होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।